So let's solve a question. We have y is equals to 3x square plus 4x plus 2. So find vertex. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए. तो सबसे पहले हमें ए बी सी तो पता ही है, डी निकाल लेते हैं. तो डी कैलकुलेट करो यहाँ पर कितना आएगा. डी आएगा बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस फोर ए सी दैट इज 16 माइनस फोर टू द 12 12 टू द 24 So that is minus 8. So D आ गया यहाँ पे minus 8. तो vertex क्या हो जाएगा? Minus B minus 4 divided by 2A that is 6 comma minus B यानी कि 8 divided by 4 into A 4 थे ना 12. तो इसको solve करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Minus 2 by 3 comma 2 by 3. This is the answer. अच्छा, इसको अगर प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए क्या क्या चीज़ें पता है होना जरूरी है. डी पता होना जरूरी है तो उससे रूट्स का आइडिया लग जाता है. डी नेगेटिव है यानी कि नो रूट्स. ए पॉजिटिव है यानी कि अपवर्ड पैराबोला. और वर्टेक्स पता चल चुका है. वर्टेक्स कहाँ पर है? माइनस टू बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री यानी कि माइनस टू बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री यहाँ पर कहीं पर ऐसे. और अगर कोई पूछे कि वाई इंटरसेप्ट क्या है तो वाई इंटरसेप्ट सी होता है. x 0 अगर रख दोगे तो y 2 आ जाएगा. तो ये वाला पॉइंट है 0 कॉमा 2 और ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स दैट इज माइनस 2 बाई 3 कॉमा 2 बाई 3. ये बन गया ग्राफ इसका. ठीक है, तो एक पॉइंट फटाफट नोट कर लेते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होता है. सो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट y इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वाई की वो वाई इंटरसेप्ट होगा. तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर इस इक्वेशन में एक्स या जीरो रखो तो वाई कितना आएगा? सी. तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ? वाई इंटरसेप्ट हुआ जीरो कॉमा सी. ये याद रखना है जस्ट. तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन. फाइंड रूट्स, y इंटरसेप्ट, vertex, etc. and draw the curve. कर दो. सबसे पहले a पे नजर दौड़ाई तो वो क्या है? नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा. ठीक है भाई, वर्टेक्स पता कर लेते हैं सबसे पहले. तो वर्टेक्स इज माइनस बी बाई टू ए डी माइनस डी बाई फोर ए. तो ए और बी तो पता है, डी निकाल लेते हैं फटाफट. सो डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज नाइन माइनस फोर माइनस टू इंटू सेवन दैट इज नाइन प्लस 28 तो 37. तो डी पॉजिटिव आया है यानी कि रूट्स है. तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स का माइनस बी. माइनस बी यानी कि माइनस थ्री बाय टू ए यानी कि माइनस फोर. और ये माइनस डी यानी माइनस 37 डिवाइडेड बाय फोर ए फोर टू द फोर माइनस टू माइनस एट. तो वर्टेक्स इज थ्री बाय फोर कमा 37 बाय एट. तो थ्री बाय फोर यस क्या 4 to the 8, 8 7 to the 56, oh my god, 56.
56 प्लस 9 65, तो ये हो जाएगा 65 और यहाँ हो जाएगा 65। तो कहाँ पे वर्टेक्स 3/4, x में 3/4 है ना, 0.27 चल गया यहाँ पे कहीं पे, और y में कितना चल गया 65/8, यानी कि 64 होता है 8 से, तो 8 पॉइंट समथिंग, 8 ऊपर चलना है, तो यहाँ पे कहीं पे ये वर्टेक्स है, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऐसे आएगा। y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 7, तो ये लगभग 8 के करीब है, तो 7 कहीं यहाँ कहीं होगा, ऐसे बन जाएगा। दिस इज 3/4 कॉमा 65/8। अब बात आ जाती है रूट पर, तो रूट श्रीधराचार्य से निकाल सकते हैं। लेट्स से दिस इज अल्फा कॉमा 0 एंड दिस इज बीटा कॉमा 0, तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी, माइनस बी इज व्हाट, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस 3 माइनस, अल्फा माइनस लिखेंगे और ये वाला थोड़ा आगे तो प्लस लिखेंगे इसको, तो माइनस रूट डी, रूट डी इज रूट 65 बाय 2a, 2a इज माइनस 4, ये अल्फा हो गया। सिमिलरली बीटा इज माइनस 3 प्लस रूट 65 बाय माइनस 4, ये बीटा हो गया, रूट्स आ गए, ग्राफ बन गया, पैराबोला बन गया। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ पैराबोला बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, और तुम्हें बताना है कि ए बी सी और डी के साइन क्या होंगे, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल एंड वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, टू फाइंड साइन ऑफ A, B, C and D. D is, we know that it is discriminant. तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये x axis, ये y axis and the graph goes like this. थोड़ा सा एक बार फिर, the graph goes like this. The sign बताना है तुम्हें, A नेगेटिव, गुड, बिकॉज डाउनवर्ड पैराबोला। सी नेगेटिव क्योंकि वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी नेगेटिव। डी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्यों, बिल्कुल। और ए नेगेटिव है, देखो ये जो वर्टेक्स है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी माइनस बी बाय 2 है। अब ये वाली चीज ओवरऑल पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करती है, ए नेगेटिव है तो इसका मतलब बी को क्या होना पड़ेगा, बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो बी इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि दो रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और डी नेगेटिव, क्योंकि देयर इज नो रूट। अच्छा एक बार बी को देख लेते हैं थोड़ा सा, बी क्या होता है, बी इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाय 2 है। अब ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ओवरऑल ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव, तो
तो ए पॉजिटिव है तो बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो ये नेगेटिव होगा, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अरे बाकी तो एकदम क्लियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 एंड सेकेंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि हम फैक्टराइजेशन भी लपक पाए, क्योंकि अगर फैक्टराइज कर दिया तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे फैक्टराइज कर दो, तो ये क्या होगा x प्लस 3 x माइनस 3। तो क्लियरली इसके दो रूट्स दिख रहे हैं, प्लस 3 और माइनस 3, तो खींचो, खींच दिया x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पर माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 3, तो ऐसा चला जाएगा। अच्छा, वर्टेक्स जो है इसका वो क्लियरली इन दोनों के जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस 3 और प्लस 3 का मिड पॉइंट होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पे। तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 9 बन गया। इस पर आ जाते हैं, ये फैक्टराइज हो पाएगा क्या, तो सम ऑफ रूट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू 1 बिल्कुल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, सो इट इज फैक्टराइज्ड एज x माइनस 1 एक्स प्लस 2। तो दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2। इसका ग्राफ बनाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 तो ये लो, एंड x इक्वल टू माइनस 2 तो ये लो, ये 1 और ये माइनस 2, यहां से ऐसा खिंच जाएगा, ये इसका 1 और माइनस 2 का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा माइनस 0.5 पर आएगा, माइनस 0.5 पर। अच्छा, ये क्यों मार्क कर लिया, क्योंकि इस पर वर्टेक्स लाई करने वाला है, ये हो गया भाई। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर माइनस 2 दिख रहा है, तो दिस इज 0 का माइनस 2, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है माइनस 0.5, कैसे लिख दिया माइनस 0.5, इन दोनों का एवरेज, और x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये x रख, सॉरी y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसका रख दो उसमें, तो हो जाएगा ये y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज माइनस 0.5 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 1/2, इनफैक्ट माइनस 2, सॉल्व करो इसे, ये हो गया अपने पास 4 LCM, 1 - 2 - 4, तो माइनस 2 से माइनस 5/4, तो दिस इज माइनस 5/4। माइनस 8 होगा, यस गुड, माइनस 9/4 बिल्कुल सही, माइनस 5/4 यानी कि इससे ऊपर होता है जो कि नहीं हो सकता माइनस 2 से, तो माइनस 9/4। तेज हाथ से लिखते जाओ ये सब। फिर तीसरा प्लॉट कर दो, y इज इक्वल टू 4x - 7 - x2, इसको प्लॉट कर दो। डाउनलोड कर, तो देखो कुछ नहीं, ए बी सी बस इधर उधर पहुंच गया है, ए दिख रहा है -1, बी दिख रहा 4, सी दिख रहा -7। ठीक है,
अच्छा फैक्टराइज होगा क्या, तो लिख के देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, प्रोडक्ट है माइनस सेवन और सम है, और प्रोडक्ट है सेवन और सम है माइनस फोर, तो नहीं होगा है ना, क्योंकि बहुत कुछ फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फैक्टराइजेशन के लिए जाना उचित नहीं होगा, तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, काहे के लिए जाओ फिर, वो सब देखो आप, ए क्या है नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, सो डाउनवर्ड पैराबोला, डी इज व्हाट, डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सोलह माइनस फोर ए इज माइनस वन, सी इज माइनस सेवन, सो दिस इज व्हाट, सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी एट, सो ये कितना हो गया माइनस ट्वेल्व, सो डी इज नेगेटिव, मतलब देयर इज नो रूट, कोई रूट नहीं, वर्टेक्स वर्टेक्स माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, यस हाँ, तो वर्टेक्स क्या माइनस बी यानी कि माइनस फोर बाय टू ए यानी टू इंटू माइनस वन, और डी माइनस डी क्या यानी कि ट्वेल्व अपॉन फोर ए, फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, तो ये हो गया अपना टू, और ये हो गया माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री पर मिल गया इसका वर्टेक्स, तो टू कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री, तो ये टू कॉमा माइनस थ्री यहाँ पे गई, फिर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऐसा चला जाएगा, वाई इंटरसेप्ट इज माइनस सेवन ऐसा चला जाएगा, तो दिस इज टू कॉमा माइनस थ्री एंड दिस इज जीरो कॉमा माइनस सेवन, बस और रूट है ही नहीं इसका, देयर इज नो रूट। फोर्थ, प्लॉट दिस, y इज इक्वल्स टू x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन माइनस एक्स, इसको प्लॉट करो, सो रूट्स दिख रहे हैं क्या इसके, रूट्स दिख रहे हैं भाई, x इज इक्वल्स टू टू और x इज इक्वल्स टू सेवन, अच्छा अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्योंकि ये सेवन माइनस x है, x माइनस सेवन नहीं है, बस कोई दिक्कत ही नहीं, फिर टू और सेवन प्लॉट कर लो, ये टू ये सेवन, ठीक है, और y इंटरसेप्ट देख सकते हैं क्या इससे अपन, जो प्रोडक्ट है माइनस फोर्टीन, प्रोडक्ट जो है वो माइनस फोर्टीन, तो यहाँ पे कहीं पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि नाइन बाय टू, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया नाइन बाय टू, अगर नाइन बाय टू रख दे वहां एक्स किया तो वाई आ जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज नाइन बाय टू माइनस टू सेवन माइनस नाइन बाय टू, सॉल्व कर लो, फाइव बाय टू इंटू फोर्टीन, फाइव बाय टू दैट इज ट्वेंटी फाइव बाय फोर, ट्वेंटी फाइव बाय फोर ये वर्टेक्स हो, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, बहुत हुआ क्वाड्रेटिक, अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल केस लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, तो नेक्स्ट ग्राफ इज कौन सा है इसका सीरियल नंबर, क्वाड्रेटिक शायद फोर्थ या फिफ्थ था, थर्ड था, तो फोर्थ ग्राफ इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, तो यानी कि किस टाइप का ग्राफ हो सकता है, y इज इक्वल टू, अच्छा वन और टू तो देख चुके हैं, जब n वन होगा तो लीनियर हो जाएगा, टू होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो अब अपन आगे की चीजें देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है x क्यूब हो सकता है, x की पावर फोर हो सकता है, x की पावर फाइव हो सकता है, या x की पावर माइनस सेवन हो सकता है, या n फ्रैक्शन में हो जाए तो x की पावर
1 बाय 7 हो सकता है, x की पावर 1 बाय 8 हो सकता है, तो ये n कुछ भी हो सकता है, एक रियल नंबर, 1 बाय 0 नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स जो भी डिफाइन है वो हो सकता है। तो इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं अलग अलग। क्यों बाइफरकेट करके क्यों पढ़ना है, सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल x की पावर 1 बाय 2 है और x की पावर 1 बाय 3 है, तो इसका डोमेन बताओ जरा। ये y इज इक्वल टू x की पावर 1 बाय 2 है और y इज इक्वल टू x की पावर 1 बाय 3 है, तो इसका डोमेन बताओ जरा। तो इसमें x नेगेटिव नहीं हो सकता, y इज इक्वल टू रूट x है ये, इसमें x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर डोमेन है रियल नंबर्स, जीरो भी हो सकता है और रियल पॉजिटिव प्लस जीरो, ठीक है, और यहाँ पर x नेगेटिव भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स कैन बी देयर। तो इसलिए हमें थोड़े से अलग अलग देखना पड़ेगा, ऑड और इवन में कुछ चक्कर हो जाता है, जैसे x इक्वल टू 1 बाय 4 है तो भी नेगेटिव नहीं हो सकता x, लेकिन x इक्वल टू 1 बाय y इक्वल टू x की पावर 1 बाय 5 है, यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए बाइफरकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि पहले जो है पावर एक इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं, एक इंटीजर है, और लेट से इवन है, ठीक है। तो ये सारे केसेस आप बाइफरकेट करते हुए वन बाय वन पढ़ेंगे ताकि दिमाग में अच्छे से जाए। सो फर्स्ट इज एन इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, n इज 2m, वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है, और माइनस कंसीडर नहीं करते अपन क्योंकि अदरवाइज फ्रैक्शन में पहुंच जाएगा, तो केवल प्लस इंटीजर ले लेते हैं। यानी कि किन ग्राफ की बात हो रही है यहां पर, ऐसे ग्राफ जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8 एंड सो ऑन, x की पावर माइनस 2 की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। तो ये बेहद सिंपल ग्राफ है, x की पावर 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, x की पावर 2 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मतलब थोड़ा सिमेट्रिक होता है वो, थोड़ा क्या, पूरा सिमेट्रिक होता है। लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, अगर सेम ग्राफ पे मुझे y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा, थोड़ा स्टीप हो जाएगा। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखो, ये जीरो है, लेट्स सी ये वन है और ये माइनस वन है, ग्राफ थोड़ा ड्राइंग अच्छे से नहीं बनी, बट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एकदम सिमेट्रिक होंगे। अच्छा अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो जीरो से वन तक एक्स स्क्वायर का जो रवैया रहेगा, एक्स की पावर 4 का वही रवैया रहेगा क्या, I have to plot y is equal to x to the power 4 on the same graph. तो ऐसे जाएगा या इधर नीचे से जाएगा, क्यों, क्योंकि और छोटी होती जाएगी। तो जैसे अगर 0.5 की पावर 2 की बात करूं और 0.5 की पावर 4 की बात करूं तो ज्यादा छोटी वैल्यू कौन है, ये है ना। लेकिन एक बार 1 से बड़ी क्वांटिटी हो गई, लेट्स से 2, तो 2 की पावर 2 की बात, लेट्स से 3, तो 3 की पावर 2 की बात करूं और 3 की पावर 4 की बात करूं तो कौन बड़ा है, 3। तो इसका मतलब x की पावर 4 अगर मैं सेम स्केल पे प्लॉट करूं तो 0 से 1 तक लेकर तो x स्क्वायर से नीचे रहेगा और फिर 1 से ऊपर x स्क्वायर से ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज y is equals to x की पावर 4, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है, ये है 1,1 और ये है -1,1। ठीक है, तो जनरल अगर इसकी बात करें हम, x की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर तो उसका डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन,
अबे डोमेन, डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस, एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती है? कुछ भी, ऑल रियल, ऑल रियल वैल्यूज। रेंज थोड़ी पूछ रहा, डोमेन पूछ रहा, तो ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। रेंज तो जीरो भी इंक्लूडेड और पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिख देते हैं जीरो से लेके इंफिनिटी, फिर रेंज हो सकती है। जीरो इंक्लूडेड क्योंकि जीरो वैल्यू ले रहा है, और रूट, रूट भी लिखना हो तो रूट इज एक्स इक्वल टू जीरो, दिख ही रहा है। एसिम्प्टोट, इज देयर एनी एसिम्प्टोट? किसी चीज को अप्रोच कर रहा है क्या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को? नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब बहुत जल्दी से इन्फिनिटी को चला जाएगा। लेकिन वैसे तुमने सही पॉइंट पूछा है कि अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो एकदम शार्प स्टीप ऐसा हो जाएगा, तो एसिम्प्टोटिक जैसा लगेगा, लेकिन नहीं। अगर नॉर्मल वैल्यूज रखें 8 to 10 तो देर इज नो एसिम्प्टोट, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इंफिनिटी, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। तो ये पहला हो गया। बाउंडेड है क्या ये फंक्शन? लोअर बाउंड है ना, तो दोनों होते तब अपन ओवरऑल बाउंड कहते हैं, तो बाउंडेड नहीं है, फालतू की बात है ये बाउंडेड बाउंडेड। तो पहला हो गया जिसमें x की पावर क्या रख दी अपन ने, पॉजिटिव इंटीजर। अब रखते हैं x की पावर, पहले में रखा पॉजिटिव इवन इंटीजर, अब रखते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सेकेंड इज x y इज इक्वल्स टू x की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। ये x की पावर n, n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो कैसे रिप्रेजेंट करें n को? n इज 2m plus 1, where m is positive integer, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि क्या क्या हो सकता है, y is equals to x cube, x की power 5, x की power 7, x की power 9 and so on। अब यहां पर डोमेन क्या होगा? सारी रियल वैल्यूज। रेंज, अब देखते हैं रेंज क्या होगी। अब यहां पे नेगेटिव आ सकता है, फंक्शन नेगेटिव वाई में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जैसे x की पावर 3 है, x रखो -2 तो -8 आ जाएगा, इसका मतलब जाएगा। वैसे x क्यूब के ग्राफ से हम सब फेमिलियर है, तो x क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज y इक्वल्स टू x क्यूब। अब कॉन्ट्रास्ट के लिए इस पे ही सेम स्केल पे हम y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लॉट करेंगे, तो वैसे तो मैं अब आइडिया मिल गया होगा। तो बताओ अगर y इज इक्वल टू x की पावर 5 सेम पे प्लॉट किया जाए तो कैसा होगा? 1 तक तो नीचे और फिर ऊपर, तो लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो 1 तक तो नीचे और फिर ऊपर, -1 तक तो ऊपर और फिर और नीचे, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x की पावर 5, और पावर बढ़ाते जाएंगे तो और स्टीप होगा यहाँ पे, मतलब और फ्लैट होगा और ऊपर और स्टीप होता जाएगा। दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू -1, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, 1, एंड हेयर -1, -1। थर्ड क्वाड्रेंट में तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरे टाइप का, रेंज हो जाएगी इनफाइनाइट। बोले व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑल रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज ले रहा, ना तो ये अपर बाउंड है ना तो ये लोअर बाउंड है,
ना इसकी कोई एसिम्प्टोट है। अब तीसरा देखते हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1 बाय इवन नंबर हो गया, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर n है अगर ये, तो व्हाट इज n, n इज 1 बाय 2m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तो ऊपर पहुंच जाएगा, वो तो अपन ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x की पावर हाफ, x की द पावर 1 बाय 4, x की द पावर 1 बाय 6 एंड सो ऑन। अब जरा डोमेन बताओ, डोमेन की चर्चा करें सबसे पहले। तो व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शंस? पॉजिटिव रियल वैल्यूज, नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, सो पॉजिटिव रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी आ सकता है, या ऐसे लिखते हैं जीरो से इन्फिनिटी, जैसी मर्जी वैसा लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के। अब ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, इसका मतलब एक्स के नेगेटिव साइड में तो ग्राफ होगा ही नहीं, केवल एक्स के पॉजिटिव साइड में ग्राफ होगा, ठीक है, कैसा होगा? तो अब देखो थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे x की पावर 2 का ग्राफ बनाया था हमने, तो वैल्यू 2 रखी थी अगर x की, तो y की वैल्यू क्या आई थी? 4। वैल्यू अगर 4 रखी थी तो 16 आई थी। वैल्यू अगर लाइक से 6 रखी तो 36 आई थी। अब देखो अगर रूट की बात करें, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो अगर x की वैल्यू हमने 2 रखी तो क्या आएगा? रूट 2। x की वैल्यू अगर 4 रखी तो क्या आएगा? रूट 4 यानी कि 2। अगर 6 रखी तो क्या आएगा? रूट 3। 8 रखी तो क्या आएगा? 2√2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था इस वाले ग्राफ में, x स्क्वायर में, जब x 2 से 4 पहुंच रहा था तो ये 4 से 16 पहुंच रहा था, डबल से भी ज्यादा, 4 से 6 पहुंच रहा था तो ये 16 से 36 पहुंच रहा था, तो ये डबल हो रहा है, थोड़ा दो दो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये तो खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। अब इसको विजुलाइज करो, ये 2 है, 2 से 4 पहुंचा x, और ये रूट 2 यानी 1.41 से 2 ही पहुंचा, यहाँ पे 2 का इजाफा आया, यहाँ तो 0.6 का इजाफा आया लगभग, यहाँ पे 2 का इजाफा आया और ये 2 से 1.73 पहुंच गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, रूट 6 होना चाहिए, तो रूट 6 इज हाउ मच? 1.41 इंटू 1.73, तो वो वैल्यू कितनी होती है? रूट 6 थी तकरीबन 2.5 के समथिंग, तो देखो 2 से 2.5 समथिंग ही पहुंच रहा है, ठीक है। फिर 8, तो ये तो इसका मतलब क्लियरली ये डबल हो रहा है, तो ये डबल नहीं हो रहा, ये तो थोड़ा कम ही हो रहा है। तो अगर ये ग्राफ ऐसा गया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा? ये ऐसा जाएगा। गेटिंग दिस? अगर डबल का डबल होता, सीधे एकदम लीनियर रिलेशन होता कि x अगर 2 बढ़ा है तो y भी 2 बढ़ गया, तो ऐसा होता y इक्वल टू एक्स, लेकिन अभी ये क्या, x थोड़ा बढ़ रहा है, x 2 का बढ़ रहा है और ये थोड़ा कम ही बढ़ रहा है, हाँ गैप कम होता जाएगा, और तो इसलिए ऐसा हो रहा है स्टीप। तो अगर मैं केवल ग्राफ प्लॉट करूँ y इक्वल्स टू रूट एक्स का, तो कुछ ऐसा आएगा। अरे बस अच्छा, इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स, क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब ये तो पैराबोला है, पैराबोला ऐसा बनता है, लेकिन नीचे वाला साइड डिलीट कर देंगे, क्यों? क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो बस इतनी सी बात है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ। And now we have to plot y is equals to x to the power 1 by 4 on the same scale. अब बताओ जरा क्या होगा यहाँ पर? The value
इसमें कुछ वन तक कुछ लोचा होगा? तो देखो वन से पहले तो अब यहाँ पे इनवर्स खेलो कि x इक्वल टू वन तक तो वो वाला ऊपर रहेगा लेकिन फिर नीचे हो जाएगा। अरे बस वन तक ऊपर रहेगा क्योंकि अब वैल्यूज कम बढ़ रहे। आप एक एग्जांपल लेके देख लो कि जैसे मैंने लिया 0.5 तो 0.5 की पावर हाफ 0.5 और 0.5 की पावर 1/4 यानी कि 0.25 कौन बड़ा है इसमें से? ये बड़ा है क्योंकि की पावर इसकी छोटी है। इस वजह से 1 तक तो ये ऊपर रहेगा फिर नीचे हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/4। बना लो इसको फटाफट। ठीक है तो थर्ड तक पहुंच गए हम। x की पावर 1/e1। अब फोर्थ पे आ जाते हैं y इज इक्वल टू x की पावर 1/odd। तो फोर्थ इज y इज इक्वल टू x की पावर 1/odd। n क्या है यहाँ पर? n कुछ इस टाइप का है 1/2m+1 where m is positive integer। example y is equals to x to the power 1/3, x to the power 1/5, x to the power 1/7 and so on। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? what shall be the domain? कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव भी रख दो एक्स है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ऑल रियल वैल्यू। ठीक है अब ग्राफ देख के जरा बताओ कैसा होगा। अगर ये एक्स की बार हाफ का ग्राफ था एक्स की बार 1/3 का, इस तरफ भी आ जाएगा, इस तरफ ऐसा तो रहेगा ही और ऐसा नीचे भी आ जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ। Here I am drawing x की पावर 1/3। So we have cube root of x। So this is the graph for y is equals to x की पावर 1/3। अच्छा अगर सेम स्केल पे x की पावर 1/5 प्लॉट करना है तो वही कहानी फिर एक बार। x इक्वल टू 1 और -1 तक तो ऐसा रहेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। This is the graph for y is equals to x की पावर 1/5। This is x equals to 1 and this is x equals to -1। आ रहा है? लिखा, लिख लिया। अब पावर हमने पॉजिटिव में देखी, अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन वेर एन इज -2n। ठीक है वेर एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब किस टाइप का फंक्शन होंगे? एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2, x की पावर -4, x की पावर -6 एंड सो ऑन। यानी कि दूसरे शब्दों में 1/x², 1/x⁴, 1/x⁶। ठीक है अब सोचते हैं कि ये किस टाइप के ग्राफ होंगे। अच्छा यहाँ पे डोमेन क्या होगा जरा बताओ, डोमेन ऑफ द फंक्शन? नहीं नेगेटिव पे एक्स रख दो यहाँ पे -5 आ जाएगा कुछ 1/25। एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर जीरो नहीं हो सकता, 1/x² है तो जीरो नहीं हो सकता, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो।
अब ये गिरता हुआ ग्राफ है या बढ़ता हुआ ग्राफ? अभी तक जितने भी ग्राफ देखे थे हमने सब गिरते हुए बढ़ते हुए ग्राफ देखे थे, दो रेट ऑफ बढ़ना अलग अलग था सबका। ये गिरता हुआ ग्राफ है क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू घटती जाएगी। और सिमेट्रिक ग्राफ होगा ये, जैसे जीरो वैल्यू रखो किधर पहुंचेगी, इन्फिनिटी, बहुत ऊपर की वैल्यू से आएगी। और इन्फिनिटी वैल्यू रखो x की जगह तो जीरो का अप्रोच करेगी, ऐसा कुछ बन जाएगा। और नेगेटिव साइड में भी सेम कहानी, तो रिपीट हो जाएगा ऐसा, मतलब रिपीट नहीं सिमेट्रिक हो जाएगा ऐसा। यार ये क्या नहीं, अब सोचो तुम बैठ के कि अगर x की जगह मैंने 2 रखा चाहे माइनस 2 रखा तो सेम वैल्यू ऑफ y आएगी। क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर, तो नीचे होना चाहिए कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए 1 बाय x क्यूब में वो हो जाएगा। अगर 1 बाय x क्यूब होता तो मैं 2 रखता तो आता कुछ 1 बाय 8, लेकिन माइनस 2 रखता तो माइनस 1 बाय 8 आता, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, देखेंगे उसको भी होता। ठीक है, तो डोमेन हो गया, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, रेंज ऑफ दिस फंक्शन 0 इंक्लूड है क्या? नहीं, तो ऑल रियल वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव एक्सेप्ट 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, रूट है क्या इसके कोई, है ना, कोई रूट नहीं है क्योंकि ये एसिम्प्टोट है क्या इसका, कौन कौन, एक ही एसिम्प्टोट है या दो है, दो है, एक तो ये और एक ये, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, बाउंडेड है क्या, नहीं है, लोअर बाउंड है, लेकिन लोअर बाउंड डिफाइन नहीं है, लेकिन लोअर बाउंड अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक है क्या, इज इट पीरियोडिक, आराम से सोचो इसको थोड़ा सा। पीरियोडिक क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर ले, तो ऐसा कोई इंटरवल तुम नहीं पकड़ सकते जिसमें वाई की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इज इट पीरियोडिक, नो। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पर, तो y इज इक्वल टू x की पावर माइनस ऑट। ठीक है, अगर ये x की पावर n है सो व्हाट इज n, n इज माइनस 2m प्लस 1, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव हमने ऑलरेडी यहाँ लगा दिया। तो एग्जांपल इसके, जैसे y इज इक्वल टू x की द पावर 1 बाय 3, x to the power minus 3, x to the power minus 5 and so on, यानी कि 1 by x cube, 1 by x की पावर 5 and so on। डोमेन बताओ, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। रेंज अभी देखते हैं, तो ये y इज इक्वल्स टू 1 बाय x क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, तो क्या अंतर होगा, ये जो नेगेटिव x में ऐसे आया है ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अब अगर 2 रखा हमने तो वैल्यू आएगी 1 बाय 8, और अगर माइनस 2 रखा तो वैल्यू आएगी माइनस 1 बाय 8, इसलिए ये ऐसा रहेगा। ओरिजिन क्या हुआ, सिमेट्रिक, जो बाद में अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, वो जो पिछला देखा था वो इवन फंक्शन था, ये ऑड फंक्शन। इसके रूट है क्या कुछ, नो, एसिम्प्टोट है क्या, हाँ भाई ये है और ये है, तो x एंड y एक्सिस। क्या ये पीरियोडिक है,
नहीं है। इसकी रेंज रेंज ऑफ फंक्शन जीरो को नहीं ले रहा है, है ना, बाकी सब कुछ ले रहा है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। अब नेक्स्ट इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस ऑड हो गया, और वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस इवन कर लेते हैं। तो अगर ये एक्स की पावर एन है तो व्हाट इज एन, एन इज माइनस टू एन, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। ये कर चुके क्या? हाँ ये तो कर चुके, इसको एक काम करो, एन माइनस वन बाई टू एन कर लो अपॉन में, एन इज माइनस वन बाई टू एन, यानी कि माइनस वन बाई ई वन, एन इज माइनस वन बाय ई वन। तो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा ये? वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू, एक्स टू द पावर माइनस वन बाय फोर, यानी कि इसको लिखें अगर तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन बाय एक्स की पावर हाफ वन बाय रूट एक्स, यानी कि वन बाय एक्स की पावर वन बाय फोर एंड सो ऑन। तो अब यहां पे क्या ट्विस्ट आएगा, यहां पर अब x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डोमेन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में प्लॉट होगा, नेगेटिव साइड में प्लॉट नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज प्लस जीरो, सॉरी जीरो भी नहीं हो, इसमें जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि वन अपॉन में ना, तो जीरो भी नहीं हो सकती, केवल रियल वैल्यूज ही होंगी। अच्छा अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, सोचो मतलब बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वाई की वैल्यू घटेगी। किस टाइप का ग्राफ बनेगा ये, ऐसा बन जाएगा वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स का, एक्स नेगेटिव में बनानी नहीं है, घटती जा रही वैल्यू, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू घटती जाएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये देख लिया अपन ने सेवंथ, एट देख लेते हैं, सेवंथ में देखा था y इक्वल टू x की पावर वन बाय टू एम, यानी कि वन बाय ऑड माइनस, अब देख लेते हैं वन बाय इवन, सॉरी वन बाय इवन देख लिया था, अब वन बाय ऑड देख लेते हैं। दिस इज व्हाट, व्हाट इज एन, एन इज माइनस वन अपॉन टू एम प्लस वन, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव यहाँ कंसीडर कर लिया है। तो इसका मतलब इस टाइप के ग्राफ्स बनेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाय थ्री, एक्स टू द पावर माइनस वन बाय फाइव, एक्स टू द पावर माइनस वन बाय सेवन एंड सो ऑन, यानी कि व्हाट्स दिस, दिस इज 1 by x to the power 1 by 3, 1 by x to the power 1 by 5 and so on। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, जीरो, जीरो को छोड़ के सारी वैल्यू, तो ऑल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। इसका मतलब जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस में भी बन जाएगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी बन जाएगा, तो यही मानते हैं इसी पे, दिस इज y इक्वल्स टू 1 by x की पावर 1 by 3, ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, इधर भी प्रकट हो जाएगा ये बस। आ रहा है समझ में?
तो फटाफट रिवाइज करने के लिए ग्राफ बना दो, y इक्वल्स टू x स्क्वायर बनाओ, यहाँ पे y इक्वल्स टू x क्यूब बनाओ, यहाँ पे y इक्वल्स टू x की पावर 1/3 बनाओ, यहाँ पे y इक्वल्स टू x की पावर 1/2 बनाओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर -2 बनाओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर -3 बनाओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 बनाओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर -1/3 बनाओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा? ये बन गया इस टाइप का। x क्यूब कैसा बनेगा? ये बन गया x की पावर 1/3 कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंगली इंक्रीजिंग है। जैसे ये इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंगली इंक्रीजिंग है, ऐसा। ये एक ही साइड रहेगा, एक्स के -1/2 यानी कि 1/x², ठीक है। तो डिक्रीजिंग है और डोमेन इसका जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब ये बन गया। फिर ये एक्स के -3 यानी कि 1/x³, ऐसा एक्स की पावर -1/2 यानी कि 1/x² 1/√x, नेगेटिव में डोमेन डिफाइन नहीं है, ऐसा बन गया। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें नेगेटिव में भी डोमेन डिफाइन है, दिस इज 1/x⁻³। तो ये समराइज हो गया x की पावर n का सिचुएशन। लास्ट वाला सेकेंड वाला सेम ही है, वैल्यूज में अंतर आ जाएगा जब प्लॉट करेंगे, है ना, एक ही जैसी प्रवृत्ति का है। नहीं, ये तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, एक्स की पावर -1/3 है वहाँ पे, ये थोड़ा और खतरनाक रफ्तार से दौड़ेगा उतरेगा, क्योंकि ये 1/x³ है, वो थोड़ा डिमिनिशिंग से उतरेगा, लेकिन उतरेंगे दोनों ही, ठीक है। तो ये एक्स की पावर एन वाले ग्राफ हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ इसको गौर से देखना, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट ग्राफ्स आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझते हैं सबसे पहले कि किस टाइप के होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू f(x) सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, माइंड दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्यों? अगर a 1 हो गया तो 1 की पावर x 1 ही होता तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, फिर तो एक्सपोनेंशियल का कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये एक ही वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे लेट्स से तुम्हारे पास है 5 to the power x और एक है 0.2 की पावर x। अब इस पे गौर करो, दिस इज y इक्वल्स टू 5 to the power x। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, सो दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। और यहां पर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे डिक्रीज होती जाएगी, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि x, ये a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, लाइक से -2 की पावर x। अब क्या करना है, यहां पर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? तो सोचते आराम से कि लाइक से x की वैल्यू रखते हैं 2,
तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा अजीब टाइप का फंक्शन होगा, क्योंकि जैसे अगर वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रखी तो माइनस 2 की पावर 2 प्लस हो जाए, और कहीं कहीं डिफाइन भी नहीं होगा ये, जैसे एक्स अगर हाफ है तो रूट माइनस 2 डिफाइन नहीं है, तो इसको अभी ऐसे केसेस पर छोड़ दो, ए की वैल्यू पॉजिटिव ही लेके चलेंगे अपन, अभी डिस्कशन को यहीं पर लिमिट रखते हैं, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फॉर व्हिच ए इज पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 0 भी नहीं, 0 हो गया तो फिर तो y इक्वल टू 0 हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जिसमें ये जो a है ये पॉजिटिव रियल नंबर 1 के अलावा, तो इसमें भी पहला केस देखते हैं अपन जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसमें लिखो केस 1 when a is between 0 से 1, for example y is equals to half की पावर x 1 by 3 की पावर x 1 by e की पावर x, ये e क्या होता है इसको समझेंगे अपन, e सुना है ना वैसे, लिमिट्स में सुना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के अगर फंक्शन है, दीज आर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तब बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी, और जैसे जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगी वैल्यू कभी। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, समथिंग की पावर 0 इज 1, ये वाला पॉइंट होगा 0,1। Let's say this is the graph for y is equals to 1 by 2 to the power x. अब मुझे comparison के लिए same scale पर y is equals to 1 by 3 to the power x plot करना है। जल्दी गिरेगा। देखो, बहुत कम value होगी कि बहुत ज़्यादा value होगी। अच्छा, एक comparison point के लिए यहाँ से तो गुजरेगा वो, क्योंकि जब तुम x 0 रखोगे यहाँ पे, इसकी value 1 आएगी, तो यहाँ से तो गुजरेगा। अब कैसा गुजरेगा ये सोचना, तो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए, कि लेट्स से एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 रखा तो क्या आया, इफ एक्स इक्वल टू 2 ये वाली चीज क्या आएगी, 1 बाय 2 टू द पावर 2, और ये वाली चीज क्या आएगी, 1 बाय 3 टू द पावर 2, कौन बड़ा है, आराम सोचो आराम से। तो ये 1 बाय 4 है और ये 1 बाय 9 है, तो बड़ा कौन है, 1 बाय 4 बड़ा, 1 बाय 4 0.25, 1 बाय 9 इज 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे तो 1 बाय 3 टू द पावर x इसके नीचे पहुंच जाएगा, और नेगेटिव में देखें अगर तो माइनस 2 रखो, तो अगर x इक्वल टू माइनस 2, इसको देखा 1 बाय 2 टू द पावर माइनस 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी 4, और ये 1 बाय 3 टू द पावर माइनस 2 यानी 3 टू द पावर 2 यानी कि 9, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब 1 बाय 3 टू द पावर x यहां तक तो इससे बड़ा है, और यहां के बाद इससे छोटा हो जाएगा, इट इज लाइक दिस। अप्रोच दोनों 0 को ही करेंगे उधर, so this is the graph for y is equals to 1 by 3 to the power x, है ना, comparison के लिए हमने same scale में plot कर दिया। तो ये case 1 हो गया। अब दूसरा केस, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, सो द केस 2 इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो किस टाइप के ग्राफ होंगे, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, एंड सो ऑन, e की पावर x,
2.5 की पावर x, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीजर नहीं हो सकते, मतलब इंटीजर ही हो सकते हैं या और कुछ नहीं हो सकते, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो अब यहाँ पर प्लॉट करते हैं अपन y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इंक्रीजिंग है। तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो अप्रोचिंग, इसका मतलब बहुत कम वैल्यू पे ये यहाँ से शुरू होगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी रख दिया तो बहुत बड़ी वैल्यू, ग्राफ कैसा बनेगा कुछ इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट बता सकते हैं अपन, x की वैल्यू जीरो है तो 2 टू द पावर जीरो क्या होता है, 1, सो दिस इज व्हाट, 0, 1, सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू x टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर x, एंड टू कंपेयर विथ x y is equals to 3 to the power x, you will plot it on the same scale. तो कैसा रहेगा वो सोचो, y is equals to 2 to the power x, अब प्लॉट करना है हमें y is equals to 3 to the power x on the same scale. बिल्कुल, तो नेगेटिव में तो इससे नीचे रहेगा लेकिन पॉजिटिव में ऊपर पहुंच जाएगा, सो दिस इज y is equals to 3 to the power x. जीरो से वन में, अब ये पावर है इसमें कोई टेंशन नहीं, पावर इज द वेरिएबल है तो कोई वैसा नहीं सोचेंगे इसमें। अगर सेम स्केल पे y is equals to e to the power x प्लॉट करना पड़ जाए तो इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, क्योंकि y is equals to e to the power x is nothing but e is 2.71, that is in between 3 and 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। So this is y is equals to e to the power x. जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव आ चुकी है इंडिया में, नॉर्मली ऐसा साउंड होता है कि जब म्यूटेंट म्यूटेशन होता है वायरस का तो ज़्यादा स्प्रेडेड बनता है लेकिन कम डेडली होता है, तो अब स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा होगी लेकिन डेथ बहुत कम होगी, बहुत कम तो नहीं, मतलब व्हाट टू से, इंडिया में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा होंगे, लेट्स नॉट से लाइक दिस। तो जनरली ऐसा कुछ मतलब पक्का नहीं है, बस ऐसे कयास लगाया जा रहा है। तो बच के रहना है, जहां भी जाओ फालतू मत जाओ, और जहां भी बैठो वहां हैंड सैनिटाइज करके बैठो, लोगों से दूर रहो, इसका क्या भरोसा कौन कहां जाता है, ठीक है, लोगों से दूर रहो। तो ये हो गया अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन पर आ जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, ठीक, सो व्हाट इज दिस x, this is called argument, and what is this a, this is called base. The kya conditions hain ki base 1 nahi hona chahiye, theek hai, to base should not be 1, and baki sari values ho sakti hain, acha negative bhi nahi hona chahiye na, base negative bhi nahi ho sakta, to aise likh dete hain, a must be all real values except one, zero भी नहीं हो सकता, ठीक है, negative इसलिए नहीं हो सकता जैसे अगर अपन ने ऐसा लिखा y is equals to log यहाँ पर minus one और यहाँ पर x, ठीक, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा let's say minus two लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसने इसको ऐसे किया minus two to the power y it equals to x,
तो वही केस बन गया कि ये x सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y का, तो ये माइनस में अगर बेस रखा है तो फ्लक्चुएट मारेगा वो, जो अपन नहीं समझ पाएंगे अभी, कभी रियल होगा कभी इमेजिनरी होगा कभी कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो केस कंसीडर ना हो इसलिए हम बेस को नेगेटिव कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस कि अगर बेस वन से बड़ा हो, इफ बेस इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल y इज इक्वल्स टू log 2x या lnx, lnx इज नथिंग बट log टू द बेस e, ये सेम है। तो ये जो फंक्शन होता है यहां बनाया जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, log माइनस फाइव ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव x एक्सिस में ही बनेगा। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकती, log जीरो भी डिफाइन नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू पर 0.1 पॉइंट समथिंग पर 0.001 पर ln x, जब x के लिए 0.000 समथिंग रखेंगे तो किसको अप्रोच करती है, माइनस इन्फिनिटी को, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और बड़ी वैल्यू पर इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो डिक्रीजिंगली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं है, बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंगली बढ़ रहा है। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1,0, सो दिस इज लाइक से y इज इक्वल्स टू log x to the base 2, and on the same scale we have to plot y is equals to log x to the base 3. तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो एक कंपैरिजन करते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से ये 5, तो 5 पर इसकी वैल्यू क्या है, log 5 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या है, log 5 टू द बेस 3, सो दिस कैन बी रिटन एज log 5 बाय log 2, log 5 बाय log 2, और दिस कैन बी रिटन एज log 5 बाय log 3, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो यानी कि ये वैल्यू कम होगी, तो बेस अगर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू होती जाएगी कम, किस बात को समझ पा रहे हो, log 3 बड़ा है या log 2 बड़ा है, log 3 बड़ा है, अगर बेस अपन ने कॉमन कुछ e ले लिया 1 से बड़ा, इसका मतलब अगर log 3 प्लॉट करना है तो कुछ ऐसा होगा, 1 से पहले कहानी अलग, दिस इज y इक्वल्स टू log 3 टू द बेस x, log x टू द बेस 3, ये वाला था log x टू द बेस 2। सेकेंड केस, ए अगर 0 से 1 के बीच में, तो फिर कहानी पलट जाएगी, तो लाइक 1/2, यहाँ पर बेस 1/e, है ना, ये नहीं होगा फिर, या log x टू द बेस 1/3, तो ये कहानी पलट जाएगी, और ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा ये, दिस इज 1,0, नोट कर लो इसको, more minutes.
नेक्स्ट टाइप का ग्राफ इज आई थिंक सीरियल नंबर 7 सिग्नम फंक्शन. जितना अजीब नाम है उतना इजी ग्राफ है. ठीक है, तो इसका सबसे पहले ग्राफ देखते हैं, फिर उसके हिसाब से उसकी इक्वेशन लिख लेंगे. तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का ग्राफ है कि x इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू होती है 0. अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू होती है +1, और अगर x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू होती है -1. ठीक है, so this is x axis and this is y axis. So this point is 0, 1, this point is 0, -1, this point is 0, 0. अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. तो अगर इसकी इक्वेशन लिखने जाए तो सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, SGM. ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज रिप्रेजेंटेड एज 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, एंड -1 इफ x इज लेस देन 0. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. बस इतनी सी बात है. जल्दी से बताओ सिग्नम ऑफ -3 क्या होगा, सिग्नम ऑफ -8 क्या होगा, सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा, सिग्नम ऑफ ई क्या होगा. बस इतनी सी बात है. इस चीज को अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और -1 हम x और mod x के नजरिए से जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखना अल्टरनेटिवली वी कैन राइट सिग्नम ऑफ x इज x बाय mod x. ठीक, x बाय mod x, अगर x नेगेटिव है तो -1 होगा, क्योंकि जब mod x को बोलोगे -x लिखना पड़ेगा, कट के -1 बचेगा. अगर x पॉजिटिव है तो +1 होगा, और x अगर 0 है तो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो डिफाइन नहीं होगा. इस तरीके से लिख देते हैं कि x बाय mod x इफ x इज नॉट 0 एंड इज 0 इफ x इज 0. ये भी एक तरीका है सिग्नम फंक्शन को लिखने का. एग्जाम्पल सॉल्व करो, यू हैव टू टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर +4 इज इक्वल्स टू 1, इज इट ट्रू और फॉल्स. ट्रू, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 से तो बड़ा ही होगा, 4 और जुड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू का ही सिग्नम लेना है. तो यस, दिस इज ट्रू, पॉजिटिव वैल्यू का सिग्नम इज +1. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स, यू नो दिस फर्स्ट. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स इज सिग्नम ऑफ साइन एक्स -3 इज -1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. यहाँ पे भी एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि साइन एक्स तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, उसमें -3 कर रहे हैं, तो 100% नेगेटिव आना है तो -1, तो दिस इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट, यू हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. इट इज गिवन दैट सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल. क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो x 0 इज नेगेटिव और x बहुत बड़ा होगा तो पॉजिटिव, तो 1 भी तो 1 भी नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते. लेकिन स्टेटमेंट क्या है,
ये वन है, 100% वन ही है ये, तो एक भी अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसमें वन नहीं हो रहा तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं अपन, जिनके कुछ जिन मतलब कि अलजेब्रिक ग्राफ ही है पर जिनके कुछ स्पेशल नाम वगैरह नहीं है लेकिन वो बहुत ही यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसलिए हम उनके ग्राफ्स देखते हैं। सो नेक्स्ट ग्राफ इज ग्राफ नंबर 8, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डोमेन बताओ, सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 0, r माइनस 0। ठीक है, अच्छा ये x प्लस 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको समझते हैं। उससे पहले एक जो 11th का टॉपिक था am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, उसको समझते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का सम देखें और प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट क्या रहा है यहाँ पे 1। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मैं am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am के तौर पे बनाया जा सकता है इसे। ठीक है, तो लेट्स से वन नंबर इज x एंड द अदर इज 1/x, तो x प्लस 1/x का एवरेज इज am इज ग्रेटर देन इट्स gm, यानी कि अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x, यानी कि x इंटू 1/x दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। ठीक है, अच्छा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 भी हो सकता है क्या? सोचो, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये कहां पे एप्लीकेबल था? जब x और 1/x दोनों पॉजिटिव हो, है ना, बोथ नंबर शुड बी तो ये जो हम देख रहे हैं ये किस लिए देख रहे हैं? ये देख रहे हैं अभी केवल जब x पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा तो उसको अपन फ्रेम कर देंगे उसी तरीके से। तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहां से ये आ गया फॉर पॉजिटिव x। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? जो भी हम ड्रॉ करेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, यानी कि 2 के नीचे नहीं जाएगा पॉजिटिव x में। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अभी नेगेटिव को भूल जाओ केवल पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं, कि x y इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अच्छा जब हम इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? 0 प्लस 1/0, ये कि 1/∞, मतलब 1/0 यानी कि ये वाली चीज इन्फिनिटी बन रही है और ये 0 यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब 0 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इन्फिनिटी पे देखते हैं, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी है और ये 0 है, अगेन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू 2 हो रही है जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो दिख रहा है 1 रखोगे तो 2 आएगा, तो लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 1, तो यहां पे ये ग्राफ कुछ ऐसा आया और फिर ऐसे चला गया इन्फिनिटी की तरफ। आ रही है बात समझ? क्या क्या समझने आया? देखो क्या देख रहे हैं अपन, सबसे पहले जजमेंट किया कि भाई इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1/x की फॉर पॉजिटिव x, नेगेटिव के लिए देखेंगे अभी थोड़ी देर में, पॉजिटिव के लिए 2 से तो बड़ी है यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मतलब 2 से नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। ठीक है भाई, 0 पे देखते हैं, तो 0 पे इसकी वैल्यू कहाँ पहुंच रही है? इसकी जगह 0 रखो और इसकी जगह भी 0 रखो, तो 1 प्लस 1/0 इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी जब x की वैल्यू 0 पहुंच रही है तो ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा है। ठीक है, और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच हो रही है तो इन्फिनिटी प्लस 1/∞, 1/∞ इज 0, मतलब ओवरऑल वैल्यू इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आया समझ? तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? x इज इक्वल y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जरा इसको गौर से अपन देखते हैं, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? मतलब x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो हमने ग्राफ बना दिया,
अब x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखने के लिए ऑड या इवन देख लिया तो बात बन जाएगी। तो देखना, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं तो माइनस एक्स प्लस वन बाय माइनस एक्स, सो इट इज माइनस वन प्लस वन बाय एक्स, माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स, सो दैट इज माइनस वाई। तो अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट किया तो वो माइनस ऑफ f ऑफ x आ गया। ये किसकी प्रवृत्ति है? ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन यानी कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है वैसा ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही? इवन होता तो फिर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता। ऑड है ना? ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ओवरऑल फंक्शन की। तो ये ऑड फंक्शन है। तो अगर हमने पॉजिटिव साइड बना दी है तो नेगेटिव साइड कैसा बनेगा? ये एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड रेप्लिकेशन ऑफ दिस, यानी कि ये y इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर क्या होगा y इक्वल्स टू माइनस 2, और माइनस 2 माइनस 1 पर मिनिमम वैल्यू लेगा जो दिख भी रहा है। अगर यहाँ माइनस 1 रख दोगे x की जगह तो y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी को गया उधर और यहाँ पे भी इन्फिनिटी को गया। अच्छा, एक खास बात है कि जब हम इसके और इसके अप्रोचिंग वैल्यू की एसिम्प्टोट बनाते हैं तो y इज इक्वल्स टू x आ जाती है। दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू x, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो और देखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो लिख दिया, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फ्रॉम माइनस टू से लेके टू तक, माइनस टू से टू तक कोई वैल्यूज नहीं है। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस टू से, अच्छा नॉट इंक्लूडेड है ना, क्योंकि माइनस टू भी हो सकती है और टू भी हो सकती है, तो हटाने में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो माइनस टू से टू। ठीक है, एसिम्प्टोट कौन कौन सी है इसकी? एक तो ये है एसिम्प्टोट और एक ये है एसिम्प्टोट। सो एसिम्प्टोट्स आर y is equals to x and x equal to 0, यानी कि y axis और y is equals to x। क्या ये periodic है? नहीं। क्या ये bounded है? नहीं, ना lower bound है ना upper bound। तो ये graph हमें याद रखना है, ये काम आ जाता है कभी कभी। तो यहीं खत्म करते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क होमवर्क सॉल्व किया था लास्ट क्लास का, किया था 10 questions, तो 10-15, हाँ ठीक है, तो आज का भी वही होमवर्क है, 10-15 क्वेश्चन आगे के सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।